अब तक घर में प्लास्टिक के खाली डब्बियों को इकट्ठा करते रहेंगे। जब हम इनसे ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और घर के और किचन के ढेर सारे कामों को आसान कर सकते हैं, तो ये जो प्लास्टिक की डब्बियां आपके घर में आती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आती हैं, जिसका एक नया उपयोग आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको एक फॉक ले लेना है और ये जो डब्बियां हमारे घर में आती हैं प्लास्टिक की, इनमें आपको छोटे छोटे होल्स कर लेने हैं। ये हमने फॉक की मदद से किचन के अंदर गैस के ऊपर, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छोटे छोटे फॉक की मदद से हमने ऐसे इसमें स्पेस बना लिया है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये डब्बियाँ जितनी भी हों आपको सारी की सारी यूटिलाइज कर लेनी है, क्योंकि हर एक डब्बी का हर एक बेहतर उपयोग होने वाला है। आपने देखा कैसे पहले छोटी डब्बियों में स्पेस बनाया और हम बड़ी डब्बियों में भी फॉक की मदद से स्पेस बना रहे हैं। आप ऐसे एक एक करके जितने भी डब्बियां आपके पास हो आप स्पेस बना लीजिएगा। अब ये स्पेस आपको कहाँ कैसे मदद करेगा वो सारी आप इसी बात जानेंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी के किसी फायदे की नहीं होने वाली। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको ये दिखा ही रहा हूँ कि आपको कैसे बड़ी डब्बियों में, छोटी डब्बियों में, हर तरीके की डब्बियों में ऐसे स्पेस बना लेना है। तो अब दोस्तों क्या है, जैसे ही हमारा फॉक थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब हमने स्पेस बनाना शुरू कर लेना है। अभी जो हम स्पेस बनाएंगे दोस्तों, इसका उपयोग हम कहाँ कैसे कब करेंगे सारी बातें विस्तार में बताता हूँ। आपको ढेर सारी घर में ऐसी टिप्स होती हैं जिसके लिए हमें बाहर से महंगी महंगी चीज़ें लानी पड़ती हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि उसे घर पे इतनी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आज यही बात हम आपके सामने इतनी आसानी से सोचेंगे और करके दिखाएंगे कि ये कितना ज़्यादा आसान होता है। कैसे होगा इतना आसान, मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहली जो डब्बी हमने आपके सामने जिसमें होल्स करे थे, अब वो डब्बी हमने रख ली है। एक और डब्बी, इसमें मेरे घर में अंगूर आए थे, कुछ ग्रेप्स आए थे, तो मैंने बचा के रख ली थी और उसके बाद इसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा। और जो एक तीसरी डब्बी भी आप देख पा रहे हैं पीछे, उसमें भी मैं इसी तरीके से स्पेस बना लूँगा। तो चलिए, सबके सब में स्पेस बनाने के बाद दोस्तों ये उपयोग में लूँगा, क्योंकि इनसे आज मैंने बहुत ही एक बढ़िया काम कर दिखाया। क्या काम करा दोस्तों, मैंने ले लेना है कुछ नमक। अब आप सोच रहे होंगे भला इन खाली डब्बियों में नमक का क्या काम। तो ये जो छोटी डब्बियां ली हैं, सबसे पहले इनसे शुरुआत करता हूं, इनके बारे में आपको बताता हूं। छोटी डब्बियों को फटाफट से हमने रख लिया है, सेट कर लेना है, और छोटी डब्बियों को हम सबसे पहले उसमें नमक डालेंगे। अब नमक क्यों डालेंगे वो भी मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। ये जो नमक है ना दोस्तों, ये आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, सिर्फ सब्जी बनाने के नहीं। ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ होती है जो आपके मल्टीपल चीज़ों में उपयोग कर सकती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हमने नमक डाला। दोनों कटोरियों में नमक डालने के बाद आपके घर में कोई भी हैंड वॉश हो या फिर कोई भी फेस वॉश हो, उसमें एक इस डब्बी में डाल लो। कोई भी हैंड वॉश या फेस वॉश जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू हो, लेकिन उसे डालने से पहले इसमें थोड़ी लौंग डाल लो। लौंग काफ़ी बढ़िया होती है, नेगेटिविटी से बचाती है और ये बढ़िया मानी गई है। इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, रिफ्रेशिंग होती है और ये हर जगह रिफ्रेशिंग ही फैलाती है। तो हमें क्या करना है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ भी फेस वॉश या हैंड वॉश डाल दो, तो मैंने फेस वॉश डाल लिया है। और जो हमारी दूसरी कटोरी है उसमें हमने डालना है थोड़ा सा शैम्पू। जो भी आप घर पे शैम्पू यूज़ करते हो वो शैम्पू आप उसमें डाल लो। इस डब्बी को बंद करते हैं और उसमें शैम्पू डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भैया इसमें हमने फेस वॉश और उसमें हमने शैम्पू क्यों डाला है। नमक के साथ ये जब जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक आप देखेंगे कैसे ये हमारे को मदद करेगी खुशबू को इंटैक्ट रखने में शैम्पू की। ये जो क्रिस्टल्स होंगे नमक के, उसमें अच्छे से रम जाएगी ये खुशबू। तो शैम्पू की खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। अब क्या है, ये दोनों डब्बियाँ कहाँ काम आएंगी, और जो तीसरी डब्बी जिनमें इन दोनों को रखा था उसका उपयोग बाद में बताते हैं। सबसे पहले इन दोनों डब्बियों का इस्तेमाल बताते हैं। ड्राइंग रूम में रख लो एक डब्बी जिसमें लौंग और आपने फेस वॉश डाला, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, आपके घर को रिफ्रेश रखेगी, खुशबू बहुत अच्छी ड्राइंग रूम में आती रहेगी, साथ में नेगेटिविटी से भी बचाती है। दूसरी डब्बी जिसमें शैम्पू डाला था वो कपड़ों के पास रख लो, यहाँ पे भी ये कपड़ों में खुशबू रखेगी, जो कपड़ों में कुछ फ्रेग्रेंस आ जाती है उससे बचाएगी और रिफ्रेशिंग रखेगी। तीसरी जो डब्बी हमने बड़ी, हमने बताया था आपको अंगूर के डब्बों के साथ आई थी, तो हमने उसको भी इस्तेमाल करना है। आपने अक्सर देखा होगा साबुन की जो क्वालिटी है गीला होने के बाद, और क्वांटिटी भी घटती चली जाती है क्योंकि उसमें नीचे पानी जमा होता चला जाता है। आप पानी से बचाने के लिए आप देखोगे कैसे इसमें कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होगा, इसकी क्वालिटी नहीं ख़राब होगी, इसकी क्वांटिटी नहीं ज़्यादा कम होगी तेज़ी से, और बस आप देखोगे कि कितनी आसानी से आपका पूरा हो गया काम। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अच्छा लगे तो ज़रूर बताना।